भाग्य की दस्तक। बहुत समय पहले बगदाद शहर के बीचों बीच एक भव्य भवन था। वह भवन चारों तरफ से एक सुंदर और आकर्षक बगीचे से घिरा हुआ था। उस भव्य इमारत के अंदर हमेशा संगीत बजता रहता। बगदाद में उस जैसा कोई दूसरा भवन नहीं था। एक दिन एक गरीब व्यक्ति भटकते भटकते उस भवन के पास आ खड़ा हुआ। वह भवन की सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह भवन बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना भव्य होगा। परंतु उसे भवन के अंदर जाने में संकोच हो रहा था। वह अंदर जाने की उधेड़बुन में ही फंसा था कि उसने कुछ लोगों को भवन के अंदर जाते हुए देखा। वे सभी लोग वेशभूषा से संभ्रांत लग रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इन लोगों के साथ सम्मिलित हो जाऊं? इनके बीच में कोई मुझे पहचाने का भी नहीं। यह सोचकर वह तेजी से दौड़कर उन लोगों के बीच सम्मिलित हो गया। भवन का मालिक स्वयं सभी लोगों का स्वागत कर रहा था। आइए आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको यहाँ पहुँचने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उनमें से एक व्यक्ति बोला, नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने हम सभी के साथ व्यापार करके हमारा मान बढ़ाया है, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। उसके बाद व्यापारी उन सभी को एक सभा कक्ष में ले गया। वहां पर वह उनके साथ व्यापार संबंधी बातें करने लगा। वह गरीब व्यक्ति सबके साथ सभा कक्ष में जाने के बजाय एक खंभे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह उन लोगों की बातों से समझ गया था कि भवन का मालिक एक बहुत ही धनी व्यापारी है। कुछ देर बाद वह गरीब व्यक्ति वहां से निकलकर भवन के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा। वहां पर कई सारे कुत्ते सोने की थालियों में खाना खा रहे थे। वह व्यक्ति भूखा तो था ही, पर कुत्तों को खाता देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उन सभी कुत्तों में से एक कुत्ते को देखकर उसने सोचा, लगता है यह कुत्ता मुझे कुछ इशारा कर रहा है। इसकी आंखों से दया झलक रही है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। उसकी थाली स्वादिष्ट मांस से भी भरी है, यदि मुझे वह भोजन मिल जाए तो मजा आ जाए। यह सोचकर वह कुत्ते के पास गया और कुत्ते की थाली में रखा मांस खाकर अपनी भूख मिटा ली। कुत्ता चुपचाप उसे देखता रहा। वह ना तो उस पर गुर्राया और ना ही भौंका। भरपेट खाना खाने के बाद उसने सोचा, यदि यह सोने की थाली मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेच दूंगा। इसे बेचने पर जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे अपना व्यापार शुरू करूंगा। परंतु कहीं इस कुत्ते ने मुझे काट लिया तो? नहीं, मुझे ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए, कम से कम एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। यह सोचकर उसने सोने की थाली उठा ली। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। वह थाली लेकर सबसे नजरें बचाते हुए भवन से बाहर निकल आया। उसने सोचा, अब मुझे बगदाद में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे किसी छोटे शहर में जाकर इस थाली को बेचकर अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। यह सोचकर वह दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। वहां पर उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसे खूब लाभ हुआ। वह सुखी और समृद्ध हो गया था। उसके बुरे दिन फिर चुके थे। उसने सोचा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत मेरा साथ देगी। परंतु मेरी किस्मत ने भी तो मेरा साथ तभी दिया जब मुझे वह सोने की थाली मिली। मैं उस भव्य भवन के मालिक का कर्जदार हूँ।
मुझे उसका ऋण चुकाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने ऊंट की पीठ पर कीमती सामान लादा और बगदाद की ओर चल पड़ा। वह भव्य भवन के मालिक को उपहार देना चाहता था। बगदाद पहुंचकर वह भव्य भवन वाले स्थान पर पहुंचा, परंतु वहां पर उसे एक खंडर नुमा भवन दिखाई दिया। भवन के चारों तरफ सुंदर बगीचा भी नहीं था, वहां एकदम उजाड़ सा हो गया था। वह चारों तरफ देखने लगा कि भवन का मालिक कहीं दिख जाए। तभी उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह उस खंडर नुमा भवन में आगे खड़ा था। वह व्यापारी तुरंत उस व्यक्ति के पास आया और उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ पर एक भव्य भवन हुआ करता था, आप उस भवन के बारे में कुछ बता सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, अब वह भवन खंडर बन गया है, समय की गति किसने जानी है। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, मैं उस भवन के मालिक से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? मुझ पर उनका कर्ज है, मैं वही चुकाने यहाँ आया हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं ही इस भवन का मालिक हूँ, तुम किस कर्ज की बात कर रहे हो? व्यापारी ने उसे सोने की थाली वाली पूरी घटना सुना दी। फिर उससे विनती करते हुए बोला, मैं आपके लिए उपहार स्वरूप कुछ कीमती तोहफे लाया हूँ, आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं इस व्यापारी से कीमती तोहफे कैसे ले सकता हूँ? इस व्यापारी पर मैंने नहीं बल्कि मेरे कुत्ते ने दया दिखाई थी, इसलिए मुझे इतने कीमती तोहफे लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचकर वह बोला, देखो भाई, तुम पर उपकार मेरे कुत्ते ने किया था, मैंने नहीं, मुझे तुमसे उपहार लेना उचित नहीं जान पड़ता, तुम लौट जाओ। व्यापारी बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वह कुत्ता भी तो आपका ही था। व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ भी स्वीकार करूँगा तो वह स्वार्थ कहलाएगा, जाओ तुम अपना सामान ले जाओ। यह कहकर वह भवन के अंदर चला गया। व्यापारी ने सोचा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है, यह अपने भाग्य द्वारा दिया गया सुनहरा मौका छोड़कर अपने विनाश की ओर जा रहा है, इसकी किस्मत ने इसे एक मौका देना चाहा, परंतु इसने अपनी बेवकूफी से उसे गवा दिया। व्यापारी वहां से वापस लौट गया। संदेश, सौभाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, मिले हुए मौके से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।